नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और आज की क्लास रहेगी अपने अव्यय एंड अविकारी शब्द। ये क्लास हालांकि पहले रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी, क्योंकि उस दिन माइक टूट गया था और ये हाफ क्लास जो थी वो खराब हो गई थी, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि क्लास के बीच में ही चलते हुए शर्ट जो है वो चेंज, यानी आधी क्लास एक बार रिकॉर्ड की, आधी दूसरी बार। लेकिन फिर भी आप सबको जैसा कि पता है और सब जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट आने के बाद भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत बढ़िया समय मिल गया है। एक अगर मान लो अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले करवाते पेपर तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी, लेकिन अब अपने पास खूब समय है और उसका फुल फ़ायदा उठाएंगे और उठा भी सकते हैं। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस पर मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर थोड़ा सा रणनीति और जो सिलेबस है उसका रेशियो वगैरह बता दो, तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए फिलहाल हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप आगे देखिए, एक सेकंड, थोड़ा सा अपन इसको हाँ जी। तो आपको घबराने की, तो मुझे नहीं लगता घबराने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें ना तो सदुपयोग करते हुए अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने आराम से सिलेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फुल स्क्रीन मोड। तो देखिए, पहला शब्द है वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं। तो हम जानते हैं कि दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी होते हैं और अविकारी होते हैं। तो आप जानते हैं अविकारी वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे अविकारी शब्दों में आते हैं क्रिया विशेषण आते हैं, संबंध बोधक अव्यय आते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय आते हैं, इसके अलावा विस्मयादि बोधक आते हैं और पांचवा निपात भी माना जाता है। तो वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं। तो आप बताइए क्या कहलाते हैं वो, क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे। तो इसमें से आप बताएं चार ऑप्शन, कौन सा होगा इसमें से होगा क्रिया विशेषण। हाँ, जैसे कि एक मित्र ने मुझे कमेंट किया था और वो मुझे सही भी लगा। वो कमेंट इस प्रकार से था कि सर ऐसा लगता है जैसे पेपर आप हल कर रहे हो, सर आप हमें हल करवाओ थोड़ा समय। तो बिल्कुल, मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए करवाया, मैंने कहा समय कम नष्ट हो इसलिए मैं स्पीड से करवा देता हूँ। चलिए, तो पहले का कोई आंसर तो अब तक आपने दे दिया होगा, इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण। आगे देखिए, क्रिया विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। चलिए आप बताओ क्रिया विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। सबसे पहले होता है अव्यय, आप तब तक आंसर देखिए। अव्यय का जो फर्स्ट भेद होता है उसका नाम होता है क्रिया विशेषण। अब मुझे आपको आपको मुझे ये बताना है कि इस क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो फटाफट आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, 4, 5, 6 और 7। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 4। और 4 कौन कौन से होते हैं, तो हम जानते हैं कालवाचक, कालवाचक समय बताते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है स्थानवाचक, स्थानवाचक हमें क्रिया के होने का स्थान पता लगाते हैं। उसके बाद हमें क्रिया के होने की मात्रा पता चलती है, तो वो होते हैं कितना। और चौथा होता है कि क्रिया जो है वो कैसे घटित हो रही है, क्रिया जो है वो कैसे घटित हो रही है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं। भाई अब वही चीज चलेगी, क्रिया के होने या करने का समय का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, फटाफट आंसर दो। वो स्थान बोधक कहलाते हैं, काल बोधक कहलाते हैं, परिमाण बोधक कहलाते हैं या फिर रीति बोधक। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका होगा क्रिया के होने या करने का समय। तो वो होता है स्थान, काल, परिणाम, आपको बताया समय की बात आएगी तो वो कौन सा होता है, वो काल बोधक होता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, ये पूछ रहा है कि निम्न में से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं कितने हैं, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में से उन 4 भेदों में से एक भेद नहीं है, कौन सा नहीं है। तो आपने देखते ही पता लगा लिया कि इसमें काल बोधक, स्थान बोधक, रीति बोधक, सार्वनामिक बोधक में से कौन सा नहीं है। अब तक तो आंसर आ चुका है। कई बार एक एक चीज दिमाग में आती है, आप लोग क्या सोचते हो, जैसे मान लो जो महिलाएं बहनें हैं वो तो चलो कोई काम वगैरह कर रहे हैं तो वो कमेंट्स ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सोच के देखिए, जो बाकी अपन बैठ के वीडियोस देखते हैं, लाइब्रेरी में देखते हैं या फिर जहाँ भी देख रहे हैं बैठ के, आप ये सोच के देखिए, आपको कमेंट करना चाहिए। हम ये सोचते हैं ना, मेरे मन में आ गया, मन में साहब किताब पढ़ते समय ऑब्जेक्टिव हल करते हैं, तो क्या हम ऑब्जेक्टिव मन में हल करते हैं, कभी नहीं होगा। आप पेपर जब हल करते हो तो क्या मन में हल करते हो कि नहीं मेरे मन में हल कर लिया, अब मैं इसका आंसर पढ़ दूंगा, कभी नहीं होता है। तो आप इसका कमेंट कीजिए, इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। मैं अपने कमेंट्स बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है।
आप कमेंट जरूर कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सार्वनामिक बोधक, क्योंकि ये सार्वनामिक विशेषण होता है, बोधक जैसा कोई शब्द नहीं होता। उसके बाद आप देखिए, कल, कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्राय, अभी, अभी, लगातार, अब, तब, पहले। देखो ये मतलब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने चार विशेषण के, काल, स्थान, ठीक है, कितना, ठीक है, और कैसे, ठीक है, ये क्रिया के होने के तरीके। देखो जब भी इस प्रकार के शब्द आएंगे ना, कब, अब, तब, है ना, कब, अब, तब, अभी, कभी, जब, इस प्रकार, तो वहां काल दर्शाएंगे। जब इस प्रकार के शब्द आएंगे कहां, वहां, जहां, यहां, तहां, है ना, तो स्थानवाचक, कितना, इतना, उतना, जितना, कितना, है ना, तो यही होगा। और कैसे, ऐसे, जैसे, वैसे, यों ही, ये जो शब्द आ जाते हैं, तब 90% क्या होता है, 90 क्या बोलिए 100% कैसे, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो कई बार इतने शब्द जैसे कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्राय, अभी, अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद, ये जो है ना, ये विशेषण किस में आते हैं, क्रिया विशेषण जो है वो किस में आते हैं, क्या ये स्थान का बोध करा रहे हैं, क्या परिमाण का, क्या काल का, रीति का, इनमें से किसका बोध करा रहे हैं, तो आप देखेंगे ये करवा रहे हैं काल बोधक का करवा रहे हैं। अब कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि हमें ना कब से प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आता है उससे पता चल जाता है काल होता है, वैसे स्थान से हम कहाँ से प्रश्न करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता, मैं आपको बताऊं, ऐसा इसलिए नहीं होता, देखो आपको ऐसा क्यों नहीं होता वो बताता हूँ। देखो जैसे एक बात आई, वह बारी बारी, सॉरी इसको दूसरा दूसरा उदाहरण लेता हूँ, जैसे सब बारी बारी आओ, सब बारी बारी आओ। अब आप जब वो प्रश्न बनाओगे ना वैसे कि कब आओ तो उत्तर नहीं आएगा, कहाँ आओ तो उत्तर नहीं आएगा, ठीक है, कैसे आओ तो उत्तर आएगा बारी बारी, आप जैसे कैसे आओ तो उत्तर आएगा बारी बारी, जबकि यहाँ पर जो है वो है कौन सा रह गया, हाँ परिमाण, परिमाण वाचक, यहाँ परिमाण है, कैसे बारी बारी, उत्तर तो आपका कैसे से आ रहा है कि कैसे आओ बारी बारी आओ, लेकिन ये गलत है, इसका उत्तर आएगा परिमाण कि कितने आओ तो आएगा बारी बारी, बारी बारी ऐसे एक शब्द होता है एक एक करके, बारी बारी का मतलब होता है एक एक करके आओ, इसका मतलब हुआ है मात्रा बताइए कि भाई आप एक एक करके आएंगे तो ये मात्रा बताइए। इसी तरह से जैसे एक बार शब्द, एक शब्द और आता है तिल तिल, वह तिल तिल करके मरा, वह तिल तिल करके, अब कैसे मरा बोला तिल तिल करके मरा, तिल तिल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम यूं लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके मरा, तिल मतलब सबसे छोटी चीज है, थोड़ा थोड़ा करके मरा, तो यहाँ ये जो बारी बारी एक एक करके तिल तिल थोड़ा थोड़ा इन सब में परिमाण वाचक है। तो कई बार वो जैसे आप प्रश्न बनाते हो, किताबों में लिखा होना, उससे उत्तर नहीं आते हैं, आपको समझना पड़ता है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, ये कहना क्या चाह रहा है। भैया मैंने कहा कि एक काम करो तुम सारे एक साथ बताओ, तुम बारी बारी आओ, बारी बारी का मतलब क्या होता है, बारी बारी का ये मतलब होता है कि एक एक करके आओ, थोड़े थोड़े आओ, एक साथ मत आओ, ये मतलब होता है, ठीक है। आगे देखें, वे अवे शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। आप जब प्रश्न पढ़ते हो ना, तो प्रश्न पढ़ते ही उसका उत्तर दिमाग में आ जाता है कि स्थान और दिशा, स्थान शब्द आते ही दिमाग में कौन सा आना चाहिए, इसका उत्तर आप ही देंगे, क्योंकि मेरे मित्र ने कहा है सर आप पेपर हल मत करो, हमसे करवाओ, तो आप ही हल करेंगे। वे अवे शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। चलो जो भी वो मित्र है, अगर वो इस क्लास को देख रहा है तो मुझे बताएं कि मैं भूल गया हूँ कि क्या नाम था आपका, लेकिन अच्छे जो सजेशन होते हैं ना वो मैं स्वीकार भी करता हूँ, ठीक है। तो बताएं कि इसने नेक्स्ट क्लास देखी है या केवल एक क्लास देख के सजेशन देके चले गए या रेगुलर क्लास ले रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्थान बोधक होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हवा धीरे धीरे चल रही है, उपयुक्त वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, हवा धीरे धीरे चल रही है, ये है क्रिया विशेषण। अब आपको बताना इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण होगा, क्या इसमें परिमाण मात्रा बताई गई है, क्या इसमें रीति बताई गई है, क्या इसमें काल है, क्या इसमें स्थान है, कौन सा है, बताएं फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा रीति बोधक, क्योंकि यहाँ पे चलने की गति का पता चल, मतलब स्थिति का पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से असंगत है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो ऊपर नीचे पास दूर, क्या ये स्थान बोधक के हैं क्या, चलो देखते हैं। बहुत अति कुछ, क्या ये परिमाण क्या है क्या, मुझे नहीं पता, आप अंदाजा लगाओ, थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना,
क्या ये ऋतिक है? कब, जब, कल, आज, क्या ये काल के हैं क्या? तो आपको पता लग गया बाकी तीन तो हैं, ये सारे किसके हैं? बोला ये सर परिमाण के हैं, जो रीति में दे रखे हैं गलत दे रखे हैं, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के, ठीक है, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की, देखो बस मैं कहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, तो उसमें भी जो बंदा भाई, जो मेरे हिसाब से जो तैयारी करके गया है ना, तो वो 135 से कम गलत, मतलब 135 पक्के सही कर सकता था। अब सर आपके कितने सही हो? देखो आपको पढ़ाते पढ़ाते, आपको दो चीज़ें पढ़ाई, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप जो, मैं ये नहीं कह रहा, इस बार मैंने पेपर को लेकर मैंने कोई कमेंट वगैरह नहीं किया कि मेरे नोट्स मुझे इतने आ गए उतने आ गए। रीज़न ये था, पेपर ऐसा था कि मतलब कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा था ना अच्छे ढंग से, तो उन सबके नोट्स में से पेपर आया था। ठीक है, तो मैं अपना नहीं कर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, 135 क्वेश्चन, सॉरी 130 क्वेश्चन जो थे वो हिंदी के थे, और लगभग 20 क्वेश्चन जो थे मनोविज्ञान के थे। 130 में से 110 क्वेश्चन प्लस, मैं ज़्यादा कह ही नहीं रहा, जैसे कुछ एक क्वेश्चन अगर बात करें जो अप्लाइड क्वेश्चन आ गए, या जैसे एक वो पूछ ली थी गद्य विधा पूछी थी, ठीक है, तो 110 प्लस क्वेश्चन अगर मान लो एक पेपर से आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सर आप 20 क्वेश्चन तो नहीं आए, तो भैया मेरिट भी तो 100% नहीं जाती, मेरिट भी तो 70-75% रहती है, तो इतना परसेंट 110 क्वेश्चन प्लस कम नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, प्लस 20 मनोविज्ञान तो एकदम सरल आ गए, यानी आप चाहते अगर मेरे नोट्स पढ़ते ना तो भी 130 रहते। तो सर फिर क्या कहते हैं, तो फिर सर हमारा जीके कैसे करें, हम कैसे करें? देखो ये बहाने ढूंढने के बजाय अपन चाहे ना तो कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको एक और बता दूं बात, अभी तक भी सेकंड ग्रेड का पेपर जो होने वाला है, सेकंड ग्रेड का पेपर जो होने वाला है, उसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे जो नोट्स हैं बहुत बढ़िया हैं, मैं गर्व करके कह रहा हूँ, और पेपर का 80% आराम से उसमें से आपको मिल जाएगा, थोड़ा घुमा फिरा के ज़रूर मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखो मात्रा या परिणाम, परिमाण आते ही दिमाग में कौन सा आ जाता है? दिमाग में आ जाता है परिमाण बोधक। अगला क्वेश्चन देखिए, खूब, अतिशय, बस, बराबर आदि किस क्रिया विशेषण? तो अब ये जो चार शब्द हैं आपको अंदाज पता लगाना है कि खूब, अतिशय, बस, बराबर, ये किस में आते हैं? निषेधवाचक में आते हैं, स्वीकार बोधक में आते हैं, परिमाण बोधक, या फिर प्रश्न बोधक में आते हैं? तो जल्दी से बताओ, देखें इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? परिमाण बोधक होगा। रविंद्र अचानक डर गया, उपयुक्त वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? तो अचानक किस में आता है? क्या ये समय बताता है, क्या ये स्थान बताता है, क्या ये मात्रा बताता है, या रीति बताता है? ये बताता है दोस्तों, क्या बताता है? ये बताता है रीति बताता है। क्या बताता है? रीति बताता है। आगे देखेंगे, हाँ, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आप देखिए, स्वीकृति है, ये थोड़ा सा अलग है, ये उन चार क्रिया विशेषणों में नहीं है, क्रिया की स्वीकृति। तो स्वीकृति जब प्रकट की जाती है तो निषेध, निश्चय, प्रश्न या स्वीकार क्या होगा? क्या इसमें प्रश्न है क्या? बोला नहीं है। क्या इसमें निश्चितता है क्या? नहीं है। क्या इसमें नकारात्मकता है क्या? नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? स्वीकार बोधक होगा। ठीक है ना सर, ऐसे हमने कभी पढ़े नहीं है, तो आप किताब का तो मैं नहीं कहूंगा, आप गूगल खोल के जरूर देखें, उस पर एनवीएस केवीएस में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। विजय वास्तव में ईमानदार व्यक्ति है। क्या है? वास्तव में ईमानदार व्यक्ति, उपयुक्त वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ये आपको पता है कि वास्तव शब्द न तो काल बताता है, न स्थान बताता है, न फिर मात्रा बताता है, न फिर रीति बताता है। ये वास्तव में ये क्या बता रहा है? ये निषेध कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। बोला ये रीति है क्या? नहीं है। बोला मात्रा है क्या? नहीं है। ये निश्चितता, अरे पक्का पक्का, वास्तव में निश्चित, ये निश्चितता बताता है। तो इसमें क्या होगा? निश्चय बोधक क्रिया विशेषण होगा। आगे देखिए आप लोग, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के अनिश्चितता को प्रकट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अब आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के जो क्रिया विशेषण आते हैं वो बहुत इजी होते हैं,
उसमें जो पूछता है ना वही आंसर होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें क्या अनिश्चितता में काल होता है क्या, बोला नहीं होता। क्या इसमें रीतिबोधक होता है, बोला नहीं होता। प्रश्न है क्या, नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ये होगा अनिश्चय बोधक राइट आंसर होगा। आगे देखिए आप, बहुत अधिक कुछ थोड़ा बराबर कम, बस देखते ही आप सबको पक्का पता चल गया होगा कि यहाँ पर ये क्या पूछना चाह रहा है। बहुत अति कुछ थोड़ा बराबर कम अधिक उतना जितना खूब आदि, ये किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तो मेरे मित्र पता चल गया होगा इसमें कौन सा होगा, परिमाण बोधक, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है देखो चलो आगे चलते हैं। फिलहाल निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, ये वैसा ही सेम क्वेश्चन आ गया, तो वही है संबोधन बोधक, संबोधन बोधक, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, अभी आया था पहले। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं, क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं। अब आप बताओ क्या काल बोधक में क्रिया का कारण प्रकट होता है क्या, क्या स्थान वाचक में प्रकट होता है क्या, क्या परिमाण में होता है क्या, क्या रीति में होता है, इन चारों में ही कहीं पर भी क्रिया का कारण पता नहीं चलता। तो क्रिया का कारण कहाँ पता चलेगा, बोला कारण तो कारण में ही पता चलेगा ना। तो राइट आंसर क्या होगा, कारण बोधक होगा। नेक्स्ट, ना 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 ना, नहीं 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 मत, ऐसा मत करो, ये जो ना नहीं मत, आपने कभी भी कालवाचक स्थानवाचक रीतिवाचक परिमाणवाचक में नकारात्मक शब्द पढ़े क्या, नहीं पढ़े। तो इसका मतलब ये थोड़ा हटके है, लेकिन है क्या क्रिया विश है क्या, अव्यय है। अव्यय क्यों है, क्योंकि नहीं शब्द जो है इसका परिवर्तन थोड़ी होता है भाई। अविकारी का मतलब क्या होता है, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, तो विकार तो इनमें भी उत्पन्न, जैसे मान लो मत है, ऐसा मत करो, लड़के से कह रहे हैं तो मत करो, लड़की से कह रहे हैं तो मती करो, और सब हम सब से कह रहे हैं तो मतों करो, ऐसा होगा क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब है तो ये क्रिया, मतलब है तो ये क्या, अविकारी। अब किसमें डालेंगे, तो परिमाण नहीं है, रीति नहीं है, प्रश्न नहीं है, तो किसमें डालेंगे, निषेधवाचक। ऐसे शब्दों को तो आप देखते ही पता लगा लोगे कि इसमें कौन सा है। उसके बाद आप देखिए ये क्या हो गया, चलो 19, राम तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, राम तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, इसमें क्रिया विशेषण है तेज, क्या है तेज, क्रिया दौड़ना, दौड़ने की विशेषता बताने वाला तेज। ठीक है आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, सुरेश का लाया वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। तो आप पूछ क्या रहा है, क्रिया विशेषण, सबसे पहले क्रिया ढूंढ लो, और क्रिया के ठीक पहले क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कौन सा है, कल। और कल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो सब जानते हैं कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, मैं यह कार्य कदाचित न करूं। अब देखो कदाचित का मतलब क्या होता है, मैं ये कार्य शायद ही करूं, समझ रहे हो, कदाचित मतलब मैं ये कार्य शायद ही, कदाचित न करूं, मैं यह कार्य कदाचित न करूं। रेखांकित पद में क्रिया विशेषण कौन सा है, प्रश्न है क्या, नहीं है। मुझे बताओ दोस्तों, परिमाण है क्या, नहीं है। मात्रा कहां बता चले, निषेध है क्या। अब आप यहां पे इसको देख के गलती से न कर सकते, लेकिन सामने वाले ने आपको क्या दी है, रेखांकित किया है, और पूछा भी क्या है, रेखा। कदाचित का मतलब था शायद, शायद का मतलब होता है वर्षा आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, मैं निश्चित नहीं हूं, और निश्चित नहीं होने की स्थिति क्या होती है, अनिश्चय होती है, अनिश्चित होती है। इस कारण से इसमें कौन सा होगा, अनिश्चय बोधक होगा। ठीक है आगे देखिए आप, परीक्षा पास आ गई है, क्या आ गई है, परीक्षा पास आ गई, देखेंगे तुम्हें क्रिया विशेषण है। तो पास देखो, हालांकि आप जानते हैं कि पास दूर निकट है ना, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे यथा तथा सॉरी यहां वहां जहां कहां, ये सारे स्थान क्या होते हैं, किंतु यहां पर इस कंडीशन पे ये तो नहीं है, अब आप ये भी नहीं है, आप इन दो में कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि आपको स्थान भी लगेगा, और कुछ जिन्होंने ये पढ़ रखे हैं उन्हें ये पता है कि यहां पर पास आ गई है, यानी परीक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, बोला वो पास आ चुकी है, अभी दूर नहीं है। तो यहां पर इन दोनों में से चुनेंगे तब हम
स्थिति बोधक को चुनेंगे। खैर मैं आपकी सरलता के लिए एक बात बता दूं, इस प्रकार के दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे। इस प्रश्न में है लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही किया जा सकते हैं। पास आपको पता है स्थान बोधक में भी आता है, तो यहां पे हम स्थिति बोधक ही करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, तुम मेरे घर कभी मत आना, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कभी अभी, है ना। अब आप बताओ इसमें से कौन सा है, कालवाचक, स्थिति बोधक, स्थान बोधक, काल बोधक, है ना। आवाज क्लियर चल रही है, ठीक है। तो कभी अब बताओ कौन सा होगा। तो अब तक तो आपने आंसर दे दिया होगा, इसमें होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप सभी बारी बारी से प्रसाद ग्रहण कीजिए। ये आ गया वो मेरा वाला प्रश्न, है ना, बारी बारी का। अब ये कोई गलत आंसर तो नहीं देगा। बारी बारी का मतलब क्या होता है भाई? अब आप सभी कब आए पता नहीं चल रहा, आप सभी बारी बारी से कब प्रसाद ग्रहण कीजिए नहीं, कहां नहीं पता, कैसे कीजिए, बारी बारी कीजिए, उत्तर आएगा कैसे से। लेकिन असल में यहां पर बारी बारी का मतलब वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है एक एक करके आओ, एक एक मतलब थोड़े थोड़े करके आओ। तो इसका मतलब कौन सा राइट आंसर होगा, परिमाण बोधक, ये राइट आंसर होगा। समझ रहे मेरी बात? तो ये हो गए अव्यय के 24 क्वेश्चन। इसके बाद आप देखेंगे एकदम से आपको शॉर्ट चेंज नजर आएगा, और 24 क्वेश्चन के बाद की क्लास पहले रिकॉर्ड की हुई है, ये भी रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन एक्चुअली उस दिन पता नहीं वो माइक वगैरह टूटा था तो सारी गड़बड़ हो गई थी। तो आधी क्लास रिकॉर्ड की हुई, मैं इसको जोड़ के आपको अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो संधि की होगी, तो आप संधि की तैयारी कीजिए। संधि के 50 क्वेश्चन होंगे, 40 नहीं 50 क्वेश्चन होंगे, बढ़िया। हम एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्यों दे रहा हूँ, क्लास तो कंटिन्यू रहेगी। ओके ठीक है, तो आगे देखिए 25 नंबर से। तो दोस्तों आपको लगेगा कि सर एकदम से आपका क्लास चलते चलते शर्ट कैसे चेंज हो गया, तो मैंने एक स्टेटस डाला था जैसे ही अपन 24 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे थे और अचानक से जो माइक है उसका वायर टूट गया था और क्लास वहीं बीच में रह गई थी, और इसी कारण से ये 2 दिन जो है बंक आ गया। मतलब देखिए एक चीज है कि अब मतलब सुनते हैं और पढ़ते हैं कि जब किस्मत खराब हो तो हाथी पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेते, हकीकत में बैड लक है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे नहा धो के पीछे पड़ गया। लेकिन एक चीज जो है कि नहीं, अपने को करना तो है, चाहे बाधाएं आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन अपने को ये काम करना ही है, तो उसके बाद बाधाएं धीरे धीरे दरकिनार होने लगती है। ठीक है, कमेंट्स आते हैं सर आप क्लास बंक बार बार रोक देते हो। अरे मैं नहीं रोक रहा, एक्चुअली प्रॉब्लम्स ऐसी है, बताओ वायर टूट गया अब क्या कर ले कोई, क्लास वहीं रुकेगी रुकेगी, तो माफी चाहता हूं। आगे चलते हैं, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप सभी बारी बारी से प्रसाद ग्रहण कीजिए, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण कौन सा है। तो देखिए मैंने अभी आपको पहले बताया भी था कि बारी बारी एक एक करके ये जो शब्द हैं ये किसके अंदर आते हैं, रीति, स्थिति, स्थान या परिमाण, तो आप बताएंगे परिमाण बोधक में आते हैं। आगे चलिए, आप चोर धीरे से भागा, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण कौन सा है, धीरे से, तो ये क्रिया के होने का क्या पता चल रहा है, समय, स्थान, स्थिति, काल, क्या पता चल रहा है, तो आप कहेंगे सर धीरे से भागा, इसका मतलब यहां पे भागने का तरीका पता चल रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, रीति बोधक। देखिए दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, मैं ये जो प्रैक्टिस करवाने के बाद में जो पेपर्स होंगे, जो हम ऑफलाइन जो बैच में जो पेपर्स दूंगा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें क्या होगा मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, ताकि अभी जैसे एक एक टॉपिक चलता है तो ऐसा लगता है यार क्या है ये, तो हमें आता है। याद रखें, ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें, आता कुछ नहीं है। आप यूं मान लीजिए कि मान लो सपोज दैट मेरा पेपर है, ठीक है, अभी मान लो पेपर है या जैसे मुझे क्लास में पढ़ाना है, कई बार जब इच्छा होती है ना कि नहीं यार कुछ बढ़िया और बढ़िया चीज पढ़ाएंगे, तो अभी तक भी पूरा टॉपिक एक बार दोबारा पढ़ना पड़ता है, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आपको अगर ये वर्ण टॉपिक आता है, आपको अव्यय टॉपिक आता है, फिर भी देखने में बुराई नहीं, ये बेसिक्स हैं। और अक्सर क्वेश्चंस जो अपने गलत होते हैं ना, वो बेसिक ही गलत होते हैं। जैसे रमेश घर कब आया, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है, तो सिंपल सी बात है, मैंने एक जैसे आपको एक लॉजिक एक ट्रिक पकड़ाई है, कब, अब, तब, जब, इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो निश्चित रूप से वो किसमें आएंगे, काल में, कहां, वहां, जहां, यहां, इस प्रकार से आ जाए तो इसका मतलब वो किसमें आएंगे, स्थान में, कैसे, ऐसे, कैसे आए, ऐसे ही आ गया, तो ऐसे, कैसे, वैसे, जैसे, ये आ जाए रीति बोधक, और कितना, उतना, जितना, ये आ जाए
तो ये परिमाण वाचक होते हैं। ठीक, तो कब आया ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है काल दर्शा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों पत्थर भी कहीं पिघलता है, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है, पत्थर भी कहीं, अच्छा पत्थर भी कहीं पिघलता है तो ये बहुत अच्छा है, पत्थर भी कहीं पिघलता है। यहाँ पे रेखांकित पद में क्रिया विशेषण रेखांकित किया भी नहीं है ना, पत्थर भी रीति बोधक निषेध परिमाण, ये प्रश्न देखना पड़ेगा भाई मुझे। ठीक है, हो सकता है आपके पढ़ा हुआ हो लेकिन थोड़ा सा मेरा जो है मुझे ऐसा लग रहा है मुझे देखना पड़ेगा, तो ऐसे इस क्वेश्चन को मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, पत्थर भी कहीं पिघलता हो सकता है, कहीं मिसप्रिंट ना हो, ठीक है मैं आंसर बता दूं, सही निकल भी जाए तुक्के से लेकिन मुझे खुद को लॉजिक पता होना चाहिए। वह थोड़ा थोड़ा दूध पीता है, या फिर जो भी वह थोड़ा थोड़ा पीता है, यह भी एक बहुत अच्छी बात है। देखो मैं आपको बताता हूं, वह थोड़ा दूध पीता है और वह थोड़ा पीता है, दोनों बातों में अंतर है, एक दोनों इसमें भी थोड़ा है और उसमें थोड़ा है, लेकिन इसके बाद में क्या आ गई संज्ञा आ गई तो ये विशेषण हो गया, और इसके बाद में क्या आ गई क्रिया आ गई तो ये क्रिया विशेषण हो गया। ये ऐसी जो चीजें हैं ना, ये हम फाइनल एग्जाम जब होता है ना तब वो कहते हैं ना कि जब एग्जाम का प्रेशर इतना रहता है, ये रियल बात है, जब आप एग्जाम सेंटर पे बैठते हो और एग्जाम सेंटर पे बैठते जब पेपर हल कर रहे हो तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि मतलब जैसे हमें कुछ भी नहीं आ रहा, या फिर या मान लो यूं मान लो कि जलालाबाद भी मोमिनाबाद दिखाई देता है, यूं मान लीजिए। रियल, ये रियल है कि एग्जाम सेंटर पर बैठते समय या जब बैठते हैं पेपर देने के लिए उस वक्त हमें जलालाबाद भी मोमिनाबाद दिखाई देता है, ये मान के चलिए। वहां प्रश्न में होता है कि फल मतलब इसमें कौन सी चीज नहीं है और हमें नहीं दिखाई ही नहीं देता है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पीता है, इसका मतलब ये थोड़ा थोड़ा जो है मात्रा दर्शा रहा है और ये परिमाण बोधक क्रिया विशेषण है। आगे चलते हैं, वह कब जाएगा, कब आते ही तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं, आप लोग मुझसे ज्यादा स्पीड से आंसर कर सकते हो कि सर इसमें काल बोधक है, लेकिन मैं एक बात बता दूं इतना जल्दी करना नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी ही मरवाती है। मैं आपको बताऊं अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, तो फर्स्ट ग्रेड में ये अभी 8% फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ, तो उसमें एक वो जो औपचारिक पत्रों वाला जो प्रश्न था ना, हाँ पत्थर भी, ये तो 27वां था, 28 29, वह आज, हाँ ठीक है, तो वो जो एक पत्र वाला था तो उसमें इस प्रकार से था कुछ कि जैसे जो प्रेषिति होता है, प्रेषिति आप समझते हो ना, प्रेषिति जिसको पत्र भेजा जा रहा है, तो उसका उसका जो नाम और जो पता होता है, उसका नाम और पता, उसका नाम और पता उसमें लिखा हुआ था, शायद दाएं, उसमें लिखा हुआ था कि भाई दाएं लिखा जाता है, ठीक है, और मेरे माइंड में क्या चल रहा है, बाएं चल रहा है। अब देखिए वहां लिखा हुआ दाएं है लेकिन मैं उसे क्या पढ़ रहा हूं, बाएं पढ़ रहा हूं, और बाएं पढ़ रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरा दिमाग कह रहा है कि नहीं बिल्कुल ये बाएं लिखा जाता है, तो एकदम सही पढ़ रहा है, और हुआ ये कि उसको समझे बिना गलत कर दिया, और मेरा गलत हुआ था, ये एक क्वेश्चन मेरा पत्र में गलत हुआ था। तो अब ये चीज है ना, ये क्या ऐसा है कि मुझे प्रश्न आता नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रश्न मुझे आता है, बट थोड़ा सा प्रेशर, लापरवाही या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, ये कुछ एक कारण होते हैं, इनके कारण क्या करता है मुझे गलत पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़े से बड़े विद्वान के साथ भी ऐसा हो सकता है, स्वयं को कमजोर मत समझो। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं, और मैं बताऊं कि ये आप पिछले एक साल से तैयारी के टच में हो, चाहे सेकंड ग्रेड रीड फर्स्ट ग्रेड एक्स वाई जेड जो भी है, लेकिन फिर भी आप में अभी तक जो आत्मविश्वास है वो नहीं आ रहा, तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण सीधा सीधा एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी है, प्रैक्टिस में कमी है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और बस कोई एक सेंटेंस लिख दे कि सर आपके कारण जो है मुझे बहुत फायदा मिला, बस बहुत है, इतना सा सहयोग बहुत है। तो ये मत समझे कि हम आपको क्लास रेगुलर नहीं देंगे, और जो अभी एक टेलीग्राम चैनल जो आपके एनडीसी क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मैंने देखा कि एक मैसेज आ रखा था, सर आप रेगुलर नहीं ले रहे, विश्वास, मैंने जब बोल दिया ना मैं कोर्स करवा दूंगा तो मैं करवा दूंगा समय रहते, लास्ट 10-15 दिन छोड़ो, मैं 15 दिन पहले आपको कोर्स करवा दूंगा इसी चैनल पर, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। आगे चलिए, वह आज जाएगा, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण क्या है, तो आज शब्द में क्या है
कालवाचक है, बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सब जानते हैं। मैं वह काम प्रतिदिन करता हूं, मैं मंदिर प्रतिदिन जाता हूं, मैं प्रतिदिन जल्दी उठता हूं। तो प्रतिदिन शब्द जो है वो किसको दर्शाता है? अक्सर आप जानते हैं वो भी काल को दर्शाता है। कुलसन ऊपर बैठेगा, ऊपर ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे दूर निकट, ये सारे के सारे आते हैं स्थान बोधक में, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा स्थान बोधक। उसके बाद में आप देखेंगे वह बहुत बोलता है। बहुत बोलता है मतलब समय दर्शा रहा है क्या? नहीं। स्थान दर्शा रहा है क्या? नहीं। रीति दर्शा रहा है क्या? नहीं। तो किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है परिमाण वाचक विशेषण। अब देखो मैंने बोला वह बहुत बोलता है और मैंने इस बहुत को देखा, मैंने इस बहुत को देखा, मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना दोस्तों। मैंने देखा वह बहुत बोलता और मैंने तुरंत ऑप्शंस में नजर डाली और यह किसका राइट आंसर परिमाण बोधक चुन लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पीछे लाइन उसने लिखी है ये किसी न किसी तो कारण से लिखी होगी। हम लोगों की कमी क्या है? मैं ये बता, ये जो प्रैक्टिस होती है क्या बताती है? कमी। अब मैंने अभी भाई आप और मैं अलग थोड़ी हैं भाई, मैं जो एक आरपीएससी का क्राइटेरिया था उसको क्रॉस करके इधर आ गया और आप अभी क्रॉस करने के कगार पे हो। हमें इतना ही अंतर है, आप कोई कमजोर नहीं हो, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, बस इतना ही अंतर। हमारी सबकी प्रॉब्लम क्या है? वह बहुत बोला, अच्छा अच्छा हाँ बहुत, ये क्रिया विशेषण एक शब्द में यहाँ नजर पड़ गई, ये बीच में पढ़ा ही नहीं, सामने वाला पूछ रहा था नहीं है या है, कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है वो तो नहीं पूछा, भला हो भगवान का और एग्जामिनर का। लेकिन अगर पूछ ले तो हम बाहर रख देंगे, अल्ले मैंने तो परिमाण बोध कर दिया, उसने तो ये पूछा था। तो थोड़ा सा प्रश्न एग्जाम पे पूरा पढ़ें और दो बार पढ़ें, 3 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, महेश शायद जाएगा, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है। शायद का मतलब क्या होता है? शायद, शायद काल नहीं, स्थान नहीं, परिमाण नहीं, रीति है ना। आगे देखिए, मोहन कम पढ़ता है, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण आप बताइए। कम, कम क्या है? मात्रा है, तो फिर कौन सा हो जाएगा? परिमाण बोधक हो जाएगा। अचानक आ गए, तुम तो अचानक आ गए। अचानक कैसे आ गए, कब आए, कहा नहीं, अचानक मतलब रीति होती है। आप सब सही आंसर दे रहे। एक बात और सोचो, आप आंसर दे रहे हो तो आप ये ना सोचें, ये ना सोचें, इसमें 23% है क्या? लीजिए इसमें 36 ही क्वेश्चन थे, तो यहाँ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं, 10 ही क्वेश्चन रह गए थे, वीडियो वरना मैं परसों ही अपलोड कर देता। देखो कोई बात नहीं, मैं और क्वेश्चन लाऊंगा, आप टेंशन मत ले, मेरी बात को ध्यान से सुने। देखो आप ये ना सोचें कि ये प्रश्न सरल है, ये प्रश्न सरल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रश्न वास्तव में लेवल के हैं, स्तरीय प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमारे गलत भी हो जाते हैं। आपको और मैंने आपको बताया जो नोट्स हैं, जो मेरे नोट्स हैं, उन नोट्स में मैंने जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण है उसके आगे लगभग जैसे 30 शब्द लिख दिए। आप अगर उन नोट्स में केवल और केवल 30 शब्द ही देख लोगे ना तो उतने में ही पार पड़ जाएगी, मैं क्लियर बता रहा हूं। उन शब्दों से बाहर एग्जामिनर नहीं पूछ सकता। आप तो इतना पढ़ लोगे ना कहा हाँ भाई, जैसे उसमें लिखा हुआ है कल, आज, प्रतिदिन, प्रतिदिन, हमेशा, है ना, हमेशा, तत्काल, हमेशा, तत्काल, सदैव, रोज, ठीक है, इस प्रकार से 30 शब्द लिखा। आप तो उनको पढ़ लो, उतने में ही अपना कल्याण हो जाएगा और पक्का पक्का हो जाएगा, और गारंटी बोल रहा हूं। विस्तृत क्लासेज मेरी YouTube पे पड़ी है, आप वो सारी व्याकरण भी देख सकते हैं, बड़े शानदार क्लासेज हैं। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपका व्याकरण में क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस क्लास को आज हम यहीं क्लियर करते हैं और मिलते हैं हम क्रिया की क्लास के साथ। ये क्लास मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ सुबह, और उसके बाद मैं क्रिया की क्लास आपको शायद नाइट तक देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।